हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पाइथन प्रोग्राम्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की मदद से लिख सकते हैं और कैसे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या IDEs के फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स और कैसे उनमें से एक को इंस्टॉल किया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं पाइथन के बिल्ट इन IDE के साथ। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आप python.org से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया था उसके साथ ही पाइथन का बिल्ट इन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसे हम आइडल या IDLE भी कहते हैं वो भी इंस्टॉल हुआ होगा। सो अगर आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके आइडल ओपन करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि आइडल एक बहुत ही बेसिक सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इट इज अ सिंगल वाइट विंडो जिसपे आप बेसिक पाइथन कोडिंग तो कर सकते हैं, जैसे अगर आपको एडिशन परफॉर्म करनी है तो ये करेक्ट रिजल्ट देगा, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है तो देन ऑल्सो इट विल गिव यू करेक्ट रिजल्ट्स। और अगर आपको कोई भी छोटे या कम लाइन ऑफ कोड की टेस्टिंग करनी है तो सही आउटपुट यहाँ पे मिल सकता है। जब आप बड़े प्रोग्राम्स या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करते हैं तब भी आप पाइथन शेल या IDLE यूज कर सकते हैं जो कि पाइथन में बिल्ट इन प्रोवाइडेड है। बट पाइथन शेल इतने ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी या इंटरैक्टिविटी नहीं ऑफर करता कंपेयर्ड टू अदर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स जो बाकी जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। और बाकी कौन कौन से डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स अवेलेबल है? JetBrains के दो टूल्स अवेलेबल हैं या दो डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स हैं, एक है PyCharm या एक है IntelliJ IDEA। दूसरा ऑप्शन आपके पास Anaconda Cloud की तरफ से आता है जो कि आपको Spider डेवलपमेंट एनवायरमेंट ऑफर करता है, या फिर आप Jupyter Notebook भी यूज कर सकते हैं थ्रू Anaconda Cloud ओनली। ठीक है, इट इज Jupyter Notebook आप विदाउट एनाकोंडा भी यूज कर सकते हैं, बट Jupyter itself strongly recommends कि आप एनाकोंडा क्लाउड के थ्रू ही इंस्टॉल करके या रन करें Jupyter Notebook। तो यहाँ पे आज इस सीरीज में या फिर इस कोर्स के ड्यूरेशन में हम जो भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग आपको सिखाएंगे वो मेनली एनाकोंडा के थ्रू और Jupyter यूज करते हुए करेंगे हम। सो एनाकोंडा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको ऑप्शंस मिलते हैं दो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के, एक है स्पाइडर और एक है Jupyter Notebook। एनाकोंडा बहुत वाइडली यूज होता है स्पेशली इन IT इंडस्ट्रीज जहां पे पाइथन में कोडिंग की जाती है, क्योंकि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। बहुत ही आसानी से आप डिफरेंट पैकेजेस, लाइब्रेरीज इंस्टॉल एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग या जैसे मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स अगर आपको रन करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं या इमेज प्रोसेसिंग करनी है, हाई एंड प्रोग्राम्स भी आप एनाकोंडा के थ्रू बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो वील स्टार्ट विथ Jupyter ओनली ताकि जब हम एडवांस लेवल तक जाए आपको कोई भी पर्टिकुलर IDE की वजह से प्रॉब्लम ना हो। एंड क्योंकि ये वाइडली यूज होता है आपको कहीं भी अडेप्ट करने में मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, एनाकोंडा इज अ वेरी वेल नोन स्टैंडर्ड और इट इज फॉलोड मेजरली। सो आपको क्या करना है एनाकोंडा इंस्टॉल करने के लिए? आपको एनाकोंडा की साइट पे जाना है विच इज anaconda.org। उसमें राइट हैंड साइड पे आपको डाउनलोड एनाकोंडा का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। उसपे डिपेंडिंग अपॉन आपका पाइथन 2.7 है या पाइथन 3.6 है आपको दो वर्जन्स या दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पाइथन 3.6.5 इंस्टॉल करना सीखा था। इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव आप इस ऑप्शन के अंडर, अगर आपका 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए, अगर आपका 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप सेकेंड लिंक पे क्लिक करिए। और जब आप फर्स्ट, अगर क्योंकि मेरा 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगी। एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये सेव करना है या रन करना है। आई विल सेव इट, आप डिजायर्ड फोल्डर में
इसे सेव कर सकते हैं। सी क्योंकि एनाकोंडा एक बहुत ही एनाकोंडा का सेटअप एक कंपैरेटिवली बड़ी फाइल है एज कंपेयर टू अदर सेटअप दैट वी डाउनलोडेड। सो इस पे डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। सो आई जस्ट पॉज द वीडियो टिल देन एंड देन रिज्यूम जब ये डाउनलोड सेटअप डाउनलोड होना कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप डाउनलोड होना कंप्लीट हो चुका है और जब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको डायरेक्टली नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉपअप विंडो में आपको इंस्टॉल फॉर जस्ट मी या ऑल यूजर्स का ऑप्शन मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। मैं जस्ट मी करके प्रोसीड करूंगी इसके आगे एंड इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से डेस्टिनेशन फोल्डर में अपना एनाकोंडा सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ओके, सो यू कैन चूज द रिक्वायर्ड फोल्डर फ्रॉम हेयर एंड क्लिक नेक्स्ट। ऑलराइट, सो व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट आपके पास कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है टू ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ वेरिएबल और सेकंड है रजिस्टर एनाकोंडा एज माय डिफॉल्ट पाइथन 3.6। सो क्योंकि सेकंड ऑप्शन इज रिकमेंडेड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट रिकमेंडेड, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। वी वुड नॉट चेंज द चेक बॉक्सेस एंड प्रोसीड विथ इंस्टॉल। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी लाइब्रेरीज और सूट्स पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, स्क्रिप्ट्स वगैरह, और इस पूरे एनाकोंडा सेटअप को इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो यू कैन वेट टिल देन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आगे के स्टेप्स आपको कैसे एनाकोंडा नेविगेटर स्टार्ट करना है और फिर जुपिटर कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगी। सो एज यू कैन सी ये इंस्टॉल हो गया है, पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, सेटअप सही से इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे कंप्लीट लिखा आ गया है। सो एनाकोंडा इज रेडी टू रन, यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं। और इस स्टेप में अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट VS कोड इंस्टॉल करना है यानी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना आप चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करके वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है एनाकोंडा की करेक्ट रनिंग के लिए या एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक यूज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, सो आई विल स्किप दिस। आप भी इसे स्किप कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। सो इसके बाद आप फाइनली फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दोनों चेक बॉक्सेस को एज इट इज टिक मार्क रहने दीजिए एंड क्लिक ऑन फिनिश। सो फिनिश होने के बाद आपके पास डायलॉग विंडोज खुलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन इंटरनेट एक्सप्लोरर और मे बी क्रोम, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि एक बार आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर चुके हैं कंप्लीटली एंड सक्सेसफुली तब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आप जुपिटर नोटबुक या एनाकोंडा यूज करना स्टार्ट कर सके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एनाकोंडा इंस्टॉल करने के बाद हम एनाकोंडा नेविगेटर रन करने का ट्राई करेंगे। सो जब आपका एनाकोंडा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आपके पास दो मेन चीजें आपको स्टार्ट मेन्यू में दिखेंगी, एक होगा एनाकोंडा नेविगेटर और एक होगा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। अगर आपका एनाकोंडा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट और एनाकोंडा नेविगेटर ये दोनों ही ऑप्शंस अपीयर होंगे इन द स्टार्ट मेन्यू। इन केस आपके पास इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं अपीयर हो रहा है या फिर एनाकोंडा नेविगेटर एज अ फोल्डर अपीयर हो रहा है तो आपको हो सकता है अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करने की जरूरत हो, क्योंकि कई बार चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए या नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसे यूज करने के लिए हमें रीस्टार्ट करने की नीड पड़ती है। सो इसीलिए
आप एक बार रीस्टार्ट करके देखिए, अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, अगर एनाकोंडा नेविगेटर एज एन एप्लीकेशन नहीं आ रहा, विजिबल नहीं है आपके स्टार्ट मेन्यू में, तो आपको हो सकता है फिर से इंस्टॉल करना पड़े एनाकोंडा एक बार अनइंस्टॉल करने के बाद। ऑलराइट, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनाकोंडा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसे स्टार्ट होने में, क्योंकि इनिशियल सेटअप में ये सारे पैकेजेस और लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके आपको एक रनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। सो अगर आपके पास ऐसा कोई डायलॉग बॉक्स आता है विच सेज थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा, तो आप उस पर ओके क्लिक कर सकते हैं या ओके एंड डोंट शो मी अगेन। अगर आप नहीं चाहते कि जब भी आप एनाकोंडा डालें या एनाकोंडा नेविगेटर स्टार्ट करें, तो ये अगर आप नहीं देखना चाहते ये मैसेज बार बार, तो आप सेकेंड ऑप्शन, ये ग्रीन ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एनाकोंडा नेविगेटर का यूआई या इंटरफेस जो अपीयर हो रहा है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सेकेंड ऑप्शन है जुपिटर नोटबुक का, देन है स्पाइडर। स्पाइडर जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन्ड है, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है यूजिंग पाइथन। मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखने हैं जिसमें आपको मल्टीपल पैकेजेस और लाइब्रेरीज, जैसे कॉम्प्लेक्स इमेज प्रोसेसिंग करनी है या डीप लर्निंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में कुछ करना है, देन स्पाइडर इज वेरी यूजफुल। डेफिनेटली आप बेसिक प्रोग्राम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट रिजल्ट्स आपको वहां भी मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास आर स्टूडियो की फंक्शनैलिटी अटेन करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, ऐसे ही विजुअल स्टूडियो कोड एंड सो ऑन। तो अगर आपने एनाकोंडा नेविगेटर फर्स्ट टाइम ओपन अप किया है आफ्टर इंस्टॉलेशन, सो हो सकता है जुपिटर नोटबुक के नीचे यहाँ पे लॉन्च की जगह इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा हो, जैसे कि इन सब में अपीयर हो रहा है। सो अगर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है तो आप उस पर क्लिक कीजिए, जुपिटर इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही मिनट्स में। और जब आप एनाकोंडा नेविगेटर रीस्टार्ट करेंगे तो आपको ये लॉन्च बटन दिखेगा। ऑलराइट, तो लॉन्च बटन पे क्लिक करने के बाद जुपिटर नोटबुक आपके वेब ब्राउजर में स्टार्टअप होगा, चाहे वो क्रोम हो सकता है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, या मोजिला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम। सो इट डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन ऑलवेज, लेकिन हमेशा ये वेब ब्राउजर में ही अपीयर होगा। ओके, इसका होम पेज जब भी आप जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करेंगे, एंड सिमिलरली कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं जुपिटर को भी लोड होने में। और जब आप जुपिटर ओपन अप हो रहा है, आपको सबसे पहले एक होम पेज दिखेगा, इस पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने के लिए राइट साइड में जो ड्रॉप डाउन है न्यू के नाम से, इस पे जाना है, आपको पाइथन 3 का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने पाइथन 3 इंस्टॉल एंड सेटअप किया है तो आपको पाइथन 3 का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका पाइथन 2 है तो हो सकता है आपको यहाँ पे पाइथन 2 भी दिखे। ओके, तो आप पाइथन के वर्जन पे क्लिक कीजिए जो भी इंस्टॉल्ड है, एंड देन अ ब्लैंक पेज वुड ओपन अप। एक्चुअली इट इज बीइंग होने के बाद ये आपकी एक्चुअल जुपिटर नोटबुक है। ओके, जैसे आप देख रहे हैं कर्नल स्टार्टिंग एंड सून इट विल बी रेडी टू डू योर प्रोग्रामिंग और कोडिंग। तो एक्चुअली हम यहाँ पे अपने पाइथन प्रोग्राम्स लिखेंगे और रन करेंगे। दिस इज द इंटरफेस या दिस इज द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ जुपिटर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसे अब यूज कैसे करना है? जुपिटर यूज करने के लिए, अगर सब मैं बहुत ही बेसिक कमांड की बात करूं, से एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो आप कोई दो नंबर लिखिए, बीच में प्लस साइन डाल के अगर आप शिफ्ट एंटर दबाते हैं तो आपको आउटपुट दिखेगा। और अगर आपको करेक्ट आउटपुट दिख रहा है कुछ ऐसे, तो इसका मतलब जुपिटर और पाइथन साथ में सही से काम कर रहे हैं, एंड यू आर रेडी टू गो टू राइट योर पाइथन कोड टू स्टार्ट लर्निंग पाइथन। ओके, सो इसके अलावा अगर आप शिफ्ट एंटर प्रेस करने में कंफर्टेबल नहीं है, आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन भी मिलता है, तो आप अपनी पाइथन कमांड्स यहाँ पे टाइप कीजिए और रन कीजिए और आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा दो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर इज, एक जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा है ये हमेशा कोड पे सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर ये कोई भी और ऑप्शन होगा तो आपका पाइथन कोड सही से आउटपुट नहीं देगा। एंड सेकेंडली दिस टॉप ऑप्शन इंटरप्ट द कर्नल,
ये फंक्शनैलिटी आपको तब यूजफुल रहेगी जब आपने कुछ एरर कमिट कर दिया है, गलती से कोई गलत स्टेटमेंट लिख दिया है, जिसकी वजह से पाइथन प्रोसेस इनफाइनाइटली चलता जा रहा है और आप एक्सप्लिसिटली रोकना चाहते हैं। मतलब अगर आपने सपोज कोई इनफाइनाइट लूप लिख दिया है गलती से और कर्नल से मतलब ये जुपिटर उसे एग्जीक्यूट करता जा रहा है इनफाइनाइटली, स्टॉप नहीं हो रहा या रिजल्ट नहीं दिखा रहा, हैंग हो गया है, तो आप इसे जब खुद से रोकना चाहते हैं तो आप इसे प्रेस कीजिए और कर्नल वुड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोसेस। तो ये बटन बहुत हेल्पफुल होता है उन केसेस में, जैसे कि हम लूप्स में भी देखेंगे या जब फर्दर कॉम्प्लेक्स पाइथन प्रोग्राम्स में करवाऊंगी। ओके, सो आई गेस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जुपिटर और एनाकोंडा आई होप आपके इंस्टॉल हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर पाइथन लर्निंग। थैंक यू।